हरे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने ये प्लाजो बनाना सीखा था, तो आज हम इसी के साथ का टॉप बनाएंगे। साड़ी के इसी प्रिंट में से हमारे पास ये थोड़ा सा कपड़ा बच गया है, तो इसका हम टॉप का ब्लाउज़ बनाएंगे। इसके लिए हम इसकी लेंथ ले लेते हैं, जितना ये कपड़ा हमारा लेंथ में आ सकता है, क्योंकि हमें आगे और पीछे दोनों तरफ से बंद टॉप बनाना है। इसकी लेंथ 17.5 इंच है, तो इसके हम सबसे पहले लाइनिंग कट करेंगे। तो लाइनिंग का भी हमें इतना ही कपड़ा ले लेना है। ये मैंने 4 फोल्ड में कपड़े को ले लिया है। लंबाई और चौड़ाई चेक कर लेंगे कि ये हमारा कंप्लीट आ रहा है कि नहीं। सबसे पहले हम ऊपर से शोल्डर लेंगे। शोल्डर हमने लिया है 7 इंच और साथ में मार्जिन ले लिया है। ऊपर से छोटे बड़े कपड़े थे, इसलिए मैंने सीधी लाइन लगा दी है, और आर्मोल भी मैंने 7 इंच ले लिया है। यहाँ से सीधी लाइन लगा देंगे, और इसके बाद हम लेंगे चेस्ट का 4 पार्ट। तो चेस्ट हम ले रहे हैं 38 इंच, इसका 4 हो जाएगा 9.5 इंच। 9.5 पर निशान लगाकर 1 से 1.5 इंच हम यहाँ पे मार्जिन ले लेंगे। अब हम ले लेते हैं इसकी लेंथ। लेंथ मैंने ऊपर से थोड़ा मार्जिन छोड़ दिया, उसके बाद मैं 17 इंच पे मार्क कर लूँगी, क्योंकि इतना ही हमारा मेन फैब्रिक हमारे पास है। अब जितना हमने ब्रेस्ट से निशान लगाया था, यहाँ से सीधी लाइन लगा देंगे। वेस्ट का हम मार्क नहीं करेंगे, क्योंकि हम नीचे डॉट लगाएंगे। डॉट का मार्क लगाने के लिए मैंने ऊपर से 10.5 इंच पर मार्क किया है, और चौड़ाई में यहाँ से फोल्ड साइड से 4.25 इंच पे मार्क करके दोनों साइड मार्क करके सीधी लाइन लगा देंगे। यह हमारी सेंटर डॉट डल गई अब है। यहाँ पे हम लगा लेते हैं नेक के लिए मार्क। तो इसकी चौड़ाई मैंने ले ली है 2.5 इंच, और लंबाई मैं पीछे की ले रही हूँ 2.5 इंच, और आगे की लूँगी मैं 6 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग जितना भी पहनते हैं उतना ले सकते हैं। यहाँ पर हम पहले बॉक्स बना लेंगे, और इसके बाद हम इसकी गोलाई करेंगे। बॉक्स बनाने से गोलाई करने में बहुत आसानी होती है, आप भी गोलाई आसानी से कर सकते हैं, जो बिगनर्स हैं वो भी। अब हम मुड्डे की भी शेप कर देंगे। अब जहाँ से हमने ये मुड्डे की लाइन लगाई है, वहाँ से 1/2 इंच अंदर की तरफ लेंगे, और एक सीधी लाइन लगा कर हल्की सी आगे की शेप भी कर देंगे, क्योंकि हम ये विदाउट स्लीव बना रहे हैं, इसलिए हल्की सी शेप करेंगे। अब इसकी हम कटिंग भी कर लेते हैं। यहाँ से मैंने 1/2 इंची आर्म होल को डाउन कर दिया है, क्योंकि हमारा पीछे का नेक बहुत छोटा सही है। अब इसकी भी हम कटिंग कर देंगे। बैक के पीस को निकाल के फ्रंट शेप की भी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे हमने जो सेंटर डॉट डाली है, इसी के अकॉर्डिंग हम प्रिंसेस कट बनाएंगे। तो ये हमारा जो आर्म होल का साइड है, इधर की तरफ हम 2 इंच पर निशान लगाएंगे, और इस पॉइंट को थोड़ा सा ऊपर ले लेंगे। इसी डॉट पर हम इंच टेप को रखेंगे, यहाँ से भी हम 2 इंच का निशान लगाएंगे। ऊपर का निशान लगाकर हम यहां से भी इस पॉइंट को थोड़ा सा अंदर की तरफ लेंगे। यहां से हम सीधा आर्म होल से सीधी लाइन लगा देंगे। अब इस लाइन को हमें, जो हमने सेंटर डॉट लगाई थी, इसी से मिला देंगे गोलाई करते हुए। यह हमारी प्रिंसेस कट की मार्किंग हो गई है। यही निशान हमें बैक साइड में भी लेना है, तो इसके लिए हम ऊपर और नीचे की तरफ नोचिस लगा लेंगे, जिससे बैक साइड में नीचे और ऊपर की तरफ निशान आ जाएंगे। और सेंटर के निशान लेने के लिए हमने, जो हमने डॉट लगाए थे, वहाँ पर पिन लगा देंगे, जिससे हमें ये पॉइंट मिल जाएंगे। इन्हें हम जो नीचे नॉचेस लगाए हैं उनसे मिलाकर ऊपर से हम गोलाई कर देंगे। इस तरह से हमारी दोनों साइड फ्रंट साइड में मार्किंग हो गई है। ठीक इसी तरह से हमें बैक साइड में भी मार्किंग कर लेनी है। इसमें हम सिर्फ सेंटर डॉट की ही मार्किंग करेंगे। अब हमें इसके मेन फैब्रिक को भी कट कर लेना है। तो इसे भी मैंने 4 फोल्ड में फोल्ड कर लिया है, और इसके ऊपर हम लाइनिंग वाला पीस रखेंगे, और इसकी भी कटिंग कर लेंगे। अब जो दोनों हमारे लाइनिंग के पीस हैं, इनके ऊपर हम मेन फैब्रिक को रखेंगे, और इसे पिन की सहायता से अटैच कर लेंगे। मैंने इसमें नेक की कटिंग नहीं की थी, क्योंकि ये कपड़ा बहुत पतला सा होता है। चारों तरफ से कपड़े को अटैच करने के बाद हमने इसकी नेक की कटिंग की है। अब मैंने इसके चारों तरफ सिलाई लगा लिया है, और पिनों को निकाल दिया है। सबसे पहले हम इसका गला फिनिश करेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर उरेब पट्टी को कट कर लिया है। पट्टी को ढीला रखते हुए हम गले के किनारे पर लगाएंगे, क्योंकि इस पट्टी को हमें पूरा का पूरा पीछे मोड़ना है, इसलिए ढीले हाथ से लगाएंगे। अब जो हमने सिलाई में मार्जिन लिया है, यहाँ पे छोटे छोटे कट लगा देंगे। इससे जो हमारी पट्टी है वो पीछे की तरह आराम से मुड़ जाएगी। उससे पहले हम यहाँ पे किनारे की सिलाई लगाएंगे, पट्टी के किनारे किनारे पर। अब हम इसे पूरा का पूरा पीछे की तरफ मोड़ कर सिलाई लगा देंगे, या आप तुरपाई भी इसमें कर सकते हैं। जिस तरह से फ्रंट नेक की फिनिशिंग की है, ठीक उसी तरह से बैक में भी पट्टी लगाएंगे। इसकी पट्टी मैंने पीछे की तरफ अभी नहीं मोड़ी है। अब हम इसमें आगे की शेप कर लेंगे गले को मिलाते हुए।
इसमें हम हल्की हल्की सी ही शेप करेंगे क्योंकि हम ये विदाउट स्लीव बना रहे हैं। शेप करने के बाद हम इसमें डॉट डालेंगे। डॉट के लिए जो हमने मार्किंग की हुई है इस पर हम बड़े बखिए से सिलाई लगा लेंगे। इसे चाहे तो आप बाद में खोल भी सकते हैं। दोनों साइड सिलाई लगा लेंगे, उसके बाद हम इसमें डॉट डालेंगे। तो जहाँ तक हमने सेंटर डॉट डाली थी वहाँ तक हम डॉट की तरह ही डालेंगे, जैसे हम नॉर्मल डॉट डालते हैं। और उसके बाद जहाँ से हमने गोलाई की थी वहाँ से हमें बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा ही कपड़ा सिलाई में लेना है, जिससे कि सिर्फ सीधी साइड हमें इमेज दिखाई दे कि यहाँ पर प्रिंसेस कट आया हुआ है। हमें यहाँ से कपड़े को ज़्यादा नहीं दबाना है। और जो आर्म होल वाली डॉट है जैसे हम डालते हैं वैसे ही डालेंगे, नोक से शुरू करेंगे और जितना हम ऊपर सिलाई में दबाते हैं उतना ही लेते आएंगे। ये हमारी सीधी साइड से बिल्कुल प्रिंसेस कट लगती है। इसमें हमने बिना कपड़े को कट किए प्रिंसेस कट लगाया है। हमारी दोनों साइड ये प्रिंसेस कट लग गई है। बैक साइड में भी हमने सिंपल डॉट डाल ली हैं। अब हम इसके शोल्डर को अटैच करेंगे। तो दोनों सीधी साइड अंदर की तरफ रखते हुए यहाँ से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे। और जो हमने उल्टी साइड पट्टी को नहीं टर्न किया था इसे हम फ्रंट की तरफ मोड़ते हुए इस तरह से लगाएंगे। दूसरी साइड का शोल्डर भी हम जोड़ लेते हैं। अब ये जो हमने पट्टी लगाई है इसे उल्टी तरफ टर्न करके इस तरह से मोड़ देंगे। इससे शोल्डर पे बहुत अच्छे से फिनिशिंग आ जाती है। जिस तरह से हमने गले में पट्टी लगाई है आर्म होल में भी हम पट्टी लगा लेंगे। यहाँ पे भी हमने उरेप पट्टी ढीले हाथ से लगानी है। हमने दोनों आर्म होल में ये पट्टी लगाकर तैयार कर ली है। अब हम इसकी साइड लगाएंगे। साइड में हम साइड स्लिट लगाएंगे, तो इससे पहले हम इसका नीचे का पोर्शन जो है इसमें फिनिशिंग कर लेते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर सीधी पट्टी को कट किया है और जिस तरह से गले और आर्म होल में पट्टी लगाई है उसी तरह से नीचे की तरफ हम यहाँ पर फिनिशिंग कर लेंगे। हमने दोनों साइड में यहाँ पे फिनिशिंग कर ली है। अब हम इसकी साइड लगाएंगे। तो नीचे से मैंने यहाँ पे 2 इंच पर निशान लगाया है क्योंकि यहाँ पे हम साइड स्लिट बनाएंगे। और जो हम फिटिंग लेंगे वो हम 2 इंच ऊपर लेंगे क्योंकि 15 इंच पर हमारी कमर की फिटिंग आएगी। यहाँ मैंने 16.5 इंच पर निशान लगाया क्योंकि कमर हमारी 33 इंच है। अब हम इसकी साइड लगा लेंगे। एक साइड में हमने साइड लगा ली है, दूसरी साइड हमें चैन लगानी है। तो जैसे हमने दूसरी साइड मार्किंग की थी ठीक इसी तरह से यहाँ पर भी मार्किंग कर लेंगे और यही मार्किंग हम सीधी साइड में भी ले लेंगे क्योंकि चैन हम सीधी साइड में लगाएंगे। तो इसके लिए हम निशान लगा लेंगे। अब यहाँ पे हम चैन अंदर की तरफ सीधी रखते हुए यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे और चैन को अटैच कर लेंगे। एक साइड से चैन को अटैच करने के बाद इसी तरह से हम दूसरी साइड में भी सिलाई लगा लेंगे और चैन को दूसरी साइड से भी अटैच कर लेंगे। जिस साइड हमने चैन नहीं लगाई है उस साइड में हम साइड स्लिट बना लेंगे। इसी तरह से हमें जो चैन वाली साइड है यहाँ पर भी स्लिट बना लेना है। इस तरह से हमारा ये टॉप बन के रेडी हो गया है। आप इसे साड़ी के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैंने साइड स्लिट लगाया है और साइड में जो हमारी चैन है वो यहीं तक आएगी और नीचे का स्लिट बच जाएगा जैसे हमने दूसरी साइड लगाया है। इसके साथ ही मैंने इसका श्रग बनाया है, जो ऊपर वाला पल्लू वाला पोर्शन था इसमें से मैंने श्रग बनाया था। इसका मैंने जो वीडियो बनाया था वो गलती से मिस हो गया तो मैं उसका वीडियो आपको नहीं दिखा पाऊँगी। इसमें मैंने 11 इंची का नेक लेकर इसको फिनिश कर दिया है पट्टी लगाकर जैसे पाइपिंग की होती है। और स्लीव में मैंने ये अम्ब्रेला स्लीव दे दी है। इसका मेजरमेंट मैंने ब्लाउज़ के अकॉर्डिंग ही लिया है, जितना जितना ब्लाउज में था बस नीचे से हमने शर्ट की लेंथ लेके घेरा बढ़ा दिया है। घेरा मैंने इसका 32 इंच लिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी और वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।